हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल फाउंडेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो है एक्लिप्स आईडीई के ऊपर। अगर आप एक्लिप्स आईडीई में जावा बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्लिप्स आईडीई में एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है या इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसका नाम है विंडोज़ बिल्डर। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम इस विंडोज़ बिल्डर जो प्लगइन है उसे हम एक्लिप्स आईडीई में कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले आपको दोस्तों उस प्लगइन के लिए जो यूआरएल है जहाँ से वो डाउनलोड होगा उस साइट का जो लिंक है वो आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्लिप्स की एक साइट है जिसमें विंडोज़ बिल्डर के लिए आपको सारे के सारे वो प्लगइन मिल जाते हैं हर वर्जन के लिए। तो जैसा कि मेरा जो एक्लिप्स आईडी वर्जन है वो है 4.8 फोटोन वर्जन, तो इसीलिए मैंने ये फोटोन वर्जन के लिए यहाँ से लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ। और लिंक पर क्लिक करके मैं एक नए पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर मुझे अब वो यूआरएल मिल गया है। तो दोस्तों, इस साइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप अपने वर्जन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद आपको एक्लिप्स की आईडीई में वापस आना है। एक्लिप्स की आईडीई जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे हेल्प का एक मेन्यू है, मेन्यू, और उस मेन्यू में यहाँ पर एक ऑप्शन है इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, उस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है वो यूआरएल यहाँ पर वो साइट, तो मैंने यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद अभी नेम पूछ रहा है उस यूआरएल का, तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ बिल्डर लिख दिया। और जो यहाँ लोकेशन है नीचे, ये मैंने इसमें मैंने वो साइट का यूआरएल पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद दोस्तों ये देखिए अभी विंडोज़ बिल्डर का यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर आ रहा है 13 आइटम सेलेक्टेड, ये इसके अंदर जो भी सब मेन्यूज़ होंगे ये सारे आइटम्स मेरे इंस्टॉल होंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये सारे के सारे उन एप्लीकेशंस को जो भी अभी इंस्टॉल होने वाले हैं हमारे आईडीई में वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये लाइसेंस का एग्रीमेंट है, उस पर ओके करके हम ये फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखिए इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में आपके नेट के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है उसी हिसाब से हो जाएगा। दोस्तों मेरा तो डाउनलोड हो चुका है और ये रिस्टार्ट नाउ के लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो आप रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे फिर आपको चेंजेस नज़र आएंगे अपने आईडीई में। तो यहाँ पे मैंने रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अब ये आईडीई को दोबारा से रिस्टार्ट कर रहा है, और आईडीई रिस्टार्ट होने के बाद आप अपने जीयूआई एप्लीकेशन को एक्लिप्स में डिज़ाइन कर सकते हैं।